चॉकलेट स्मूदी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस चॉकलेट स्मूदी को बनाने के लिए मैंने चॉकलेट आइसक्रीम का बेस लिया है, ये देखिए दोस्तों, जो कि मैंने आपको सिखा दिया है कि चॉकलेट बेस हम घर पर कैसे तैयार करें। चॉकलेट बेस के साथ हमारी चॉकलेट स्मूदी सिर्फ 2 मिनट में बनकर तैयार हो जाएगी। और चॉकलेट आइसक्रीम के इस बेस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। प्लीज आप लोग चॉकलेट बेस कैसे तैयार किया जाता है घर पर इसे जरूर चेक करिए। इसके अलावा मैंने आधा कप दूध लिया है इस स्मूदी को बनाने के लिए। 1 चम्मच मैंने शक्कर ली है, क्योंकि हम ज्यादा शक्कर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि चॉकलेट का बेस भी मीठा है, इसलिए मैंने सिर्फ 1 चम्मच शक्कर ली है। गार्निशिंग के लिए मैंने चॉकलेट का एक छोटा सा ब्रिक लिया है, जिसे हल्का सा मैं क्रश करके डालूंगी अभी चॉकलेट स्मूदी में। 1 बड़े चम्मच मैंने मलाई ली है, जिसे मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है ताकि वो अच्छी तरह से स्मूथ हो जाए। अब सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एक जार में, मिक्सर के जार में ही हम स्मूदी बना रहे हैं। मैं आपको चॉकलेट स्मूदी और चॉकलेट शेक में क्या अंतर है ये भी बता रही हूँ। जब हम चॉकलेट शेक बनाते हैं तो बहुत पतला होता है, उसमें दूध की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेते हैं, पर स्मूदी बहुत थिक होती है। इसे हम, मतलब इतनी थिक होती है कि इसे खाया भी जाता है और पिया भी जाता है, इसलिए मैंने इस तरह के स्ट्रॉ का यूज़ कर रही हूँ, जिससे कि हम स्मूदी को खा भी सकें और स्ट्रॉ के द्वारा हल्का सा पी भी सकें। अब हमें जितनी भी स्मूदी तैयार करना है, ये देखिए फ्रेंड्स, आप बेस देखिए मेरा, ये देखिए कितना स्मूथ, कितना चाहिए। 1/2 लीटर से पूरा फुल डब्बा भर के ये बेस तैयार किया था मैंने, जो कि अभी आपको रेसिपी देते देते इतना बचा है। जितनी भी स्मूदी हमें तैयार करना है, मैं सिर्फ अभी आपको 1 गिलास स्मूदी बनाना बता रही हूँ, चॉकलेट स्मूदी। ये देखिए 2 मैंने क्यूब लिया है, इसमें बहुत आसानी से हम चॉकलेट स्मूदी तैयार कर सकते हैं। 1/2 कप दूध है, यदि आपको ज़्यादा बनाना है तो आप क्वांटिटी डबल कर दीजिए। 1/2 कप मैंने इसमें दूध डाला है। 1 चम्मच हम इसमें शक्कर डालेंगे, क्योंकि हमारी चॉकलेट आइसक्रीम भी अपने आप में मीठी है। अब इसे हम ग्राइंड करेंगे। पीने में और इसका टेस्ट बच्चों को बहुत पसंद आता है। फ्रेंड्स, आप मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक करें।